सब रेडी? हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अरे मैं सुरदूत नहीं हूं, मैं तो आपका दोस्त हूं। मालूम है कौन मैं हूं? चुनाव। मेरा नाम है चुनाव। ना मैं सुरदूत हूं, ना पवित्र आत्मा, ना ही कोई दूत। मैं हूं चुनाव जो हर इंसान के पास होता है, एक अच्छा और एक बुरा। खैर, चुनना तो आपको है कि आप अच्छा चुनेंगे या बुरा चुनेंगे। चुनना आपके हाथ में, और ये कहानी भी इसी चुनाव पर आधारित है। आइए चलते हैं इस कहानी पर। ये कहानी है मिस्टर डैनियल की, जो कि एक बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास भी हैं और अपने परिवार को चलाने के लिए काम भी करते हैं, अर्थात जॉब। इनका रोज का काम है अपनी बीवी के लिए रोज सुबह चाय बनाना। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत अच्छी पत्नी मिलती है और कुछ लोगों को आप तो समझदारी हैं, और ये उन्हीं में से एक है। तारा, उठो उठो, चाय लाया हूं। तारा, क्या तुम भी सुबह सुबह? तुमने पी ली ना, मुझे सोने दो। अरे बाबा, चर्च नहीं जाना है क्या तुम्हें? मुझे आराम करना है, आप चले जाओ। चाय तीन देर तक सोई पड़ी रहती है। ठीक है, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, चाय पी लेना। मुझे सोने भी नहीं देते। जीसस फॉर ऑल चर्च, जहाँ पर भाई डैनियल परमेश्वर के दास के अधीन में रहकर सेवा देते हैं, अर्थात जवानों की अगुवाई करते हैं। प्रभु, मुझे प्लीज पल्सर 220 दिला दीजिए। प्रभु, प्रभु, मेरे परिवार का खोया हुआ सच्चा प्यार वापस लेकर आ प्रभु। हे प्रभु, एग्जाम में पास करा दो प्लीज। हे प्रभु, मेरी माँ को ठीक कर दो। आप लोगों को क्या लगता है, एक सच्चा आराधक कैसा होना चाहिए? लुकास, तुम बताओ। स्मार्ट, हैंडसम और डेसिंग, उसकी आवाज बहुत सुरीली होनी चाहिए। आप लोगों को इतनी आसानी से मंच मिल जाता है, क्या आप लोग जानते हैं? आप जैसे ऐसे बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें ये मौका तक नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये मौका आप लोगों को दिया। पर मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि आज भी तुम में वो समर्पण नहीं है। क्या हो रहा है? तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैं आप लोगों को कुछ समझा रहा हूं और आप लोग मेरी बात को हल्के में ले रहे हैं। शैतान को एक मौका चाहिए, इस बात को आप लोग समझो। क्या हो रहा है? शैतान किसी भी रूप में आ सकता है। चुनाव आपके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज पहला दिन और आज भी लेट। सॉरी। चलो, आई हो तो बैठ जाओ। ये आई तो बाहर आई, हमारे बीच महिमा आई, क्योंकि अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए अभी अभी भी जबलपुर शिफ्ट हुई। सही तो है। क्या दिखती है यार? हे प्रभु, धन्यवाद हो तेरा, किसी को तो भेजा आपने। हाँ, वो भी मेरे लिए। आज की सर्विस यहीं समाप्त होती है ना? कल हम इसी टाइम चर्च में मॉर्निंग सर्विस में मिलेंगे। आपने देखा कलीसिया में एक नौजवान क्या करते हैं? कोई मोबाइल में गेम खेलता है तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। लेकिन वहां पे एक इंसान था जिसे किसी भी बात से मतलब नहीं था, उसे मतलब था सिर्फ अपने लक्ष्य से और अपने परमेश्वर से। आगे देखिए होता है क्या। डैनियल, जो परमेश्वर की सेवा में व्यस्त थे, और यहाँ एक तरफ उनकी बीवी सारा, जो केवल अपने आलसीपन में पड़े रहना पसंद करती थी,
और समय होने के बाद उन्हें ध्यान आ रहा है कि आज उनके घर में भी एक सभा रखी गई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। दिन रविवार संडे चर्च के बाद डैनियल भाई हमेशा अपने घर में पासवान को बुलाकर आराधना करवाना पसंद करते थे, जहां पे कलीसिया के सारे जवान और सदस्य आकर एकजुट होकर परमेश्वर की आराधना करा करते थे, क्योंकि डैनियल परमेश्वर के दास थे और परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे। उन्हें पसंद था कि उनका परिवार परमेश्वर में समर्पित रहे। वाह, गजब कर दिया। मीटिंग खत्म और यहाँ तुम सो गई। चर्च में दूत और यहाँ भूत। भूत कैसे बोला मुझको? क्या तुम दूत हो? 6 दिन तो मैं काम करती हूँ। ये सारे काम तुम करोगे, आज मैं विश्राम करूंगी। क्यों, ये उठाकर रख भी नहीं सकती हो क्या तुम? आज विश्राम का दिन है, आज आप कर दो इतना। गजब की बीवी मिली है यार। और यही था भाई डैनियल का जीवन। हमेशा वो इसी तरह अपने परिवार को खुश रखने के लिए जो मिलता था किया करते थे। आज तो बहुत थक गया हूँ यार, आज तो पढ़ूंगा ही नहीं। आज बस सोऊंगा मैं। हे प्रभु धन्यवाद यार, अब तो पढ़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, एग्जाम जो है यार। आज तो बहुत देखने का मन कर रहा है यार, पर क्या करूं, नहीं देख सकता। आज ही वचन सुनकर आया हूं। आज तो कुछ कुछ नहीं देखेगा। मन तो बहुत है यार, बट क्या करूं, क्या करूं। तो 12 बज गए हैं, उठना। रॉकी, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है बेटे। कल से कभी नहीं देखूंगा, प्रॉमिस। शैतान तुम्हें इसी बातों से भड़काता है कि तुम अपना समय फालतू के काम में व्यर्थ करो। ये गलत है। तुम चर्च में जाके आराधना करते हो, क्वायर में खड़े होते हो और पीठ पीछे ये करते हो। परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। प्रभु आज माफ कर दो प्लीज, कल से नहीं देखूंगा कभी। और ऐसे ही हर जवान परमेश्वर को निराश करते हैं। शुरू हो गए लूकस, आज चर्च में सीख के आए ना तुम, ये सब नहीं करना। लेकिन तुमको तो करना ही है। कहां मानोगे, माँ बाप के पैसे उड़ाओगे। परमेश्वर का वचन सुन लो मेरे भाई, अच्छा होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है, मैं गलत काम नहीं करूंगा। अरे सुनना पगले,
अंदर स्कूल और केले पबजी बहुत पढ़ लिया तूने, आज ज्यादा हो गया, बहन दे भाई कर ले, थोड़ा सा खेल ले, अच्छा लगेगा। तेरा आ गया ये हे परमेश्वर, कोई नहीं सुनेगा, कर ले कर ले कर ले। और देख उसी लड़की को फेसबुक पे जिसको तूने चर्च में देखा था, बड़ा आया है परमेश्वर की बातें बता रहा है, अरे इसको क्या मालूम, जाना तो मेरे ही पाले में ही है।